नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है नफीजा अली की। नफीजा अली को अभी हाल ही में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नफीजा अली एक ऐसी शख्सियत हैं जो अखबार के हर पन्ने पर लगभग छप चुकी हैं, परंतु नफीजा अली का असली चेहरा क्या है, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं नफीजा अली से ही सीधी बात। नफीजा जी, आपका स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत है। ओह थैंक यू। एक बात बताइए, आप फिल्म कलाकार हैं, आप सोशलाइट भी हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, आप कांग्रेस वर्कर भी हैं, आप क्या हैं? मैं आई एम अ ड्रिफ्टर, नोमैड हूँ, जहाँ भगवान ने मुझे रास्ता ले जो राजस्थान वाले ले जाता, वो जो जिप्सी हैं आप। नहीं, आपको मतलब आपके कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आपका बहुत उद्देश्य है। आपका क्या उद्देश्य है? आई थिंक मेरे देश जो डेमोक्रेसी है विल बी सेक्युलर, नॉन कम्युनल एंड जस्ट टू ऑल। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का जो आपको बनाया उसके थ्रू यही करने वाली हैं सब। बिकॉज रियलिटी यही है कि बच्चे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है भारत के। इसके बारे में हम लोग कम सोचते हैं। आप देखिए कोई भी पिक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी इस कमर्शियल सिनेमा, जिसके लिए एक बच्चे तो बाई प्रोडक्ट है, दे शुड बी दी प्रोडक्ट। तो जो आपको चेयरपर्सन बनाया, आपको तो पूछा होगा पहले बनने से पहले कि नहीं, या आपने लॉबिंग की थी इसके लिए? नॉट एट ऑल, मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ी थी गुलमर्ग में, छुट्टी कश्मीर में, और वहाँ फोन आए और द मिनिस्टर के कि रवीना रिजाइन हो गई, विल यू बिकम द चेयरपर्सन। आपको आपके अंदर क्या खूबी देखी ना कि आप बच्चों की सेवा कर सकती हैं? शायद सच्चाई, और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सिनेमा वर्ल्ड से भी हूँ, पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी हूँ, शायद जो ऑब्स्टिकल्स या जो एक डॉन्टिंग टास्क है ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना, वो दूर हो जाएंगे। फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस तो आपका कोई है नहीं, फिल्म में एक्टिंग करने का जरूर है। आपने मेरा डॉक्यूमेंट्री नहीं देखा ऑन HIV AIDS, ऑन गुजरात रायट्स दंगे के टाइम पे, आपने देखा नहीं? वो तो पॉलिटिकल मूवी होगी ना, HIV AIDS तो समझ में आता है कि सोशल। कैसे बात कर रहे हो, पॉलिटिकल कैसे है? राइट्स तो यहाँ दिल्ली में भी होते, सिख राइट्स भी होते, उसके ऊपर नहीं बनाई आपने फिल्म? क्योंकि मैं तो छोटी थी उस टाइम। कौन सी कांग्रेस में आप विश्वास रखते हैं? सोनिया गांधी की फिलॉसफी में, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की? जनता की। कांग्रेस में क्योंकि जनता ही चुन के लाते हैं पार्टी को। तो नरसिम्हा राव की कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस एक ही थी ना? नरसिम्हा राव आई थिंक फेल्ड इंडिया। नरसिम्हा राव ने इंडिया को किस तरह फेल किया? आई थिंक जो बाबरी डेमोलिशन हुई उस टाइम वो सोते रहे। हाँ। और ये एक सच है, उनको सिफा दे देना चाहिए था उस वक्त, जो भी हो, मगर गलत हुआ, जो भी हो गलत। आप नरसिम्हा राव की लीडरशिप जो कांग्रेस की थी वो सारी फेल कर गई एकदम नरसिम्हा राव के दमन। आई थिंक सो। तो इसलिए आप सोनिया गांधी की कांग्रेस में विश्वास? कांग्रेस वॉज फिनिश्ड, बहुत बुरे हाल में थे जब सोनिया गांधी आई, और उस टाइम मैंने भी ज्वाइन किया। टोटल एक आदमी के ऊपर, नरसिम्हा राव के ऊपर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप क्वालिटीज शुड हैव बीन एन एक्शन प्लान ऑफ जस्टिस, तो उसको करने में एक्शन प्लान। और अडवाणी ने जो किया वो बहुत ही गलत, दोनों की मिली जुली भगत थी क्या लगता है? तो आपको लगता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में आप जो फिल्म सोसाइटी में काम करने जा रही है, तो उसमें क्या, किस तरह की फिल्में दिखाएंगी आप? आई थिंक सबसे पहले तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनना चाहिए, बहुत कम बन रहा है, बजट एलोकेशन बहुत कम है ही नहीं पैसा, सुना है वहाँ तो फाइनेंस करने के लिए 8 crores, आप बताइए, व्हाट शर्म की बात है मेरे हिसाब से। और सबसे जल्दी से जल्दी वो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज टेल द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पैसा मिलेगा आपको, बजट चाहिए। पर एक बात है, मैंने आपका एक भाषण सुना, क्या आपका रोल मॉडल जो है आपके अपने अंकल इंद्रजीत गुप्ता है? बहुत ईमानदार, वो तो कम्युनिस्ट थे, बहुत ईमानदार थे। तो कौन आपके तो कॉन्फिडेंट कम्युनिस्ट ब्लड का लड़ाई नेता थे, किसको मान दिया, कम्युनिस्ट इंद्रजीत गुप्ता या सोनिया गांधी? इंद्रजीत गुप्ता मेरे अंकल थे थ्रू मैरिज, हिज करिश्मा और वो जिसका उनका सच्चाई था, आई रियली एडमायर दैट। आई वुड लाइक टू बी अ पॉलिटिशियन लाइक हिम, बट डोंट बिलीव इन फिलॉसफी हिज, बिकॉज़ मेरे हिसाब से कम्युनिस्ट ऑफ बंगाल हैव डिस्ट्रॉयड बंगाल, और बुद्धदेव अब जो कोशिश कर रहा है, इतने सालों से हम लोग पीछे क्यों रह गए? पर आपने तो एक पोस्टर निकाला था, आपने कहा कहीं पर, जिस पोस्टर में लिखा गया टाइम हैज कम टू स्किन द Yes, because मेरी बड़ी बहन नक्सल थे, नक्सलाइट, when I was 13, अमीरों की खाल नोच लो, मैं इंग्लिश में, हाँ, मतलब हिंदी ये था,
तो आप उसमें विश्वास करती हैं, अमीरों की खाल नोच लो। बच्चे थे मुझे वो, इसलिए वो दोज वर्ड आज तक याद है क्योंकि बहुत पावरफुल वर्ड है। तो अब तो आपको चिल्ड्रन का जो करने जा रही है उसमें एक काम तो जरूर करेंगी, आप प्रमोट तो कांग्रेस कल्चर ही करेंगे। नॉट एट ऑल। सोनिया गांधी की फोटो हर जगह लगाएंगे आप, हर पिक्चर में? नहीं, बड़ी चालू हो। चालू नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, क्या करेंगे आप? गलत, मैं गलत क्यों करूं? जो जो सच्चा सच है, सेक्युलरिज्म पढ़ाएंगे आप, सेक्युलरिज्म दिखाएंगे, सेक्युलरिज्म, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इतिहास, हमारे पुराने इतिहास सब। ये कम्युनिस्ट वेदास को आपने कहा कि हमें वेदास भी इतिहास है? I love the Vedas। तो कम्युनिस्ट कहेंगे ये वेदा को दिखाएंगे, इसको हटाओ जल्दी से। हमारे जो स्ट्रेंथ है वो ये, दैट इज। आप दिल से सच बोलती हैं हमेशा, परंतु पॉलिटिक्स में कैसे करेंगे आप? क्योंकि ये तो, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। क्यों वेदास तो वो कहते हैं कि एंटी, मेरा, तो मेरे काम एंटी मॉडर्निज्म, एंटी साइंटिफिक। नो, नॉट एट ऑल। एंटी साइंटिफिक क्यों? साइंस इज वेदा, वेदा में तो बिलीव ही नहीं करते वो लोग, तो जो आपको सपोर्ट करें, जिनकी वजह से आज आप बनी हैं, अगर आपकी सरकार में से विड्रॉ कर लें सपोर्ट, तो आप हट जाएंगे एकदम, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप चाहते हैं कम्युनिस्ट आगे, फिर फुल मेजोरिटी से कांग्रेस आएंगे? आपका तो उद्देश्य मेरे, क्योंकि ये एक सच है, क्योंकि आप उनके खिलाफ लड़ी वहां पर कलकत्ता में। मैंने देख लिया कम्युनिस्ट को, देख लिया गौर से, नजदीक से, दिल से, और उनके जो लीडर्स हैं बहुत अच्छे बोलते हैं, मगर ग्रास रूट का जो कार्डबेस पॉलिटिक्स है, मुझे दुख दिया। कांग्रेस के टाइम पे बंगाल वाज नंबर वन इंडस्ट्रियल स्टेट, एजुकेशन में नंबर दो थे। अब इन 27 में कहाँ घट के नीचे आ गए, 16 नंबर एंड 27th ऑन द लिस्ट ऑफ इंडिया। बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप उनकी सपोर्ट से बैठी हैं सत्ता में, वो तो होने दो, वो जो होगा। अब क्या करूं, कम्युनल एजेंडा को बाहर रखना बहुत जरूरी थी, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और इसलिए मैं वेस्ट बंगाल गई लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल को तोड़ना बहुत जरूरी। नंबर दो थी या तीन थी वहां पर इलेक्शन में? आउट ऑफ मेरे, मैं तीन आप ना, ममता जी ने आपको हराया ना, बस एक गरीब आदमी ने एक अमीर को हरा दिया क्या वहाँ? नहीं, ममता बहुत अच्छी है। देखिए, ममता बनर्जी इज कांग्रेस, अपने जिद पे, अपने जिद पे वो छोड़ दी। तो मेरे हिसाब से कम्युनिस्ट बंगाल में इसीलिए है बिकॉज ममता बनर्जी बीजेपी को सपोर्ट किया और बाहर निकल गया कांग्रेस। और वो हर वक्त कहती है कि कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट साथ है, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है। चुनाव दोबारा लड़ने जाएंगी ना वेस्ट बंगाल में? नेवर, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वी कुड नॉट फाइंड अ कैंडिडेट, तो आउटसाइडर को लेके आया। अब आउटसाइडर है? इतने दुख, आई फेल्ट सो हर्ट, मुझे इतने, आई सेड मुझे आना ही नहीं, काम करना ठीक है मगर मैं कभी नहीं लड़ूंगी। गुप्ता की घर से, परिवार से आने वाली, बहुत दुख की बात। और देखिए, प्रणब मुखर्जी इतना सीनियर लीडर है, अपने आप उनका लीडरशिप बाहर निकालना है, उल्टा कह रहा है कि मैं आउटसाइडर हूँ। जो मेरी कसम से, और मैंने मेरे जो मकसद थे तृणमूल और बीजेपी को तोड़ना वेस्ट बंगाल में, सब हार गए एक्सेप्ट ममता, तो मेरे मकसद पूरे हो गए। और मेरे नहीं, कोई बात नहीं, पर आपको लगता है कम्युनिस्टों से आपका आइडियोलॉजिकल झगड़ा तो है ना? इन बंगाल, यस, इन बंगाल, वही बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका बस चले तो उनसे लड़ाई करके उनको हटा देंगे वहाँ से? मुश्किल काम है, उनको नहीं हरा सकते आप, मुश्किल काम है। क्योंकि जब तक हमारे लीडरशिप कुछ और सोच के साथ काम ना करेंगे, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। ममता को आना चाहिए वापस कांग्रेस में, दोनों मिलके आखिर कर सकते हैं। बिल्कुल। सीपीएम को आप क्यों हराएं, क्या कहेंगे आप लोगों से कि सीपीएम को हटाओ, कांग्रेस को लाओ? क्योंकि पूरे देश को प्रॉस्पेरिटी के साथ जब जी रहा है, तो बंगाल को क्या हो गया? देखिए ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए राइटिंग ऑन द वॉल, देखिए कलकत्ता में तो सब राइटिंग ऑन द वॉल है, उसको पढ़िए, समझ लीजिए। वो तो लोग कहेंगे जो लालू भी आपके साथ है उसका देख लीजिए बिहार, बिहार हमारे बिहार तो उससे बदतर है ना, खराब है, इट्स वर्स देन वेस्ट बंगाल। बट आई एम वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल नाउ। नहीं, बगर आई लव लालू, आई थिंक लालू बहुत होशियार लीडर है, एक्टिंग आप भी तरह अच्छी कर लेता है, बहुत अच्छा है। आई एंजॉय लालू, जब वो कुछ बोलता है मुझे अच्छा लगता है। आपको पॉलिटिक्स में और कौन-कौन से पसंद है पर्सनल लेवल पे? आई थिंक आई लव मिसेस गांधी, बिकॉज मिसेस गांधी के जो नीति है, सोच, विचार, ख्याल इज सेल्फलेस। उनका कोई मुझे कुछ चाहिए का मकसद नहीं है, सुबह से रात तक काम करती है हमारे देश के लिए। तो फिर भी मैं पूछूंगा आपसे, कांग्रेस के अंदर कौन अच्छे नेता है आपके लिए,
पर उससे पहले एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं सोनिया गांधी की करीबी माने जाने वाली नफीजा अली से। मेरे को लगता है आपका जो हर पेज पे फोटो छपता है ना, कभी कभी पिछली बार पेज 3 पे छपता रहता था आपका और आपके पति देव का, बड़ी पेज 3 पे जाती है। क्या आपको अभी तक भूली नहीं है जिंदगी पुरानी अपनी? कितने कोशिश करती हूँ मैं कि पेज 3 में नहीं आऊं, क्योंकि मैं आई एम एक नॉर्मल पर्सन। जब कोई पार्टी में बुलाए मेरे पिक्चर मत डालिए, क्योंकि मेरा जो मेरा काम है बहुत सीरियस काम है। भाई इतनी शक्ल अच्छी है आपकी, भगवान ने दिया आपको, अभी भी आप किसी को इम्प्रेस कर सकती हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी भाषा से, अपने विचारों से। आपकी पल्स ऑफ वही तो प्रॉब्लम है, जो वही प्रॉब्लम है। आपको पता है कि मेरे पिक्चर छपते हैं और मेरे जो जब मैं पहले शुरू हुए मेरे काम जो HIV/AIDS के ऊपर है वो नहीं लिखते थे मीडिया, सिर्फ फोटो और अपना मर्जी से जो भी लिखा। HIV/AIDS के ऊपर आपके गरीबों की तो बीमारी है नहीं है, टीवी है, लोग मरते हैं ज्यादा टीवी में। नहीं, मैं डॉक्स प्रोग्राम भी करती हूँ। आपका फाउंडेशन तो HIV/AIDS है ना, जहाँ रिलेटेड है, जहाँ फॉरेन डोनेशन ज्यादा आए। बिल्कुल नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। 98% ऑफ ऑल इंटरनेशनल फंडिंग जो भी आते हैं हमारे देश में सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाते हैं। और ये इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव लोग हैं उनका देखभाल कौन करेगा। जी लोगों का कहना ये है कि दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर एड विक्टिम्स कम हैं, एड एक्टिविस्ट ज्यादा हैं। मगर मैं फैशन है, पहले मैं एक्टिविस्ट थी। रिचर्ड गेट आ जाए तो उनको भी एड्स, और टीवी पे जो लोग मर जाते हैं, बच्चे लोग मर जाते तो हैं, उसके लिए रिचर्ड गेयर और आप जैसे लोगों ने कभी धरना सड़क पे दिया नहीं या कुछ हो नहीं किया। नहीं, डॉट्स प्रोग्राम जो डॉट्स है व्हिच इज गवर्नमेंट, टीबी का डॉट्स प्रोग्राम इज गवर्नमेंट रन, हमारे संस्था में टीवी पे आता है, बहुत नहीं करता है। वो मेरे सेंटर में शुरू कर दिया है एंड और सारे लोग जो आसपास, बिकॉज डॉट्स प्रोग्राम ऐसी चीज है जो यू अकाउंटेबल लोगों के साथ करना है। परंतु आपको अपनी जिंदगी पुरानी याद नहीं आती कि जब आप एक स्विमिंग चैंपियन रही हैं, फिल्म एक्टिंग अच्छी की है, आपको लगता नहीं वो अपना एक जिंदगी अच्छी थी जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं? फिर तो मैंने शादी कर ली, फिर शादी के टाइम हस्बैंड के साथ बहुत इंटरफेरेंस होते हैं। दबा लिया आपको उन्होंने? नहीं दबाया नहीं, घर कोशिश किया, मगर लिबरेटेड वुमन नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा फादर है। आपको लगता नहीं गुड हस्बैंड? क्योंकि आप सोशल इश्यूज में भी इंटरेस्ट लेती हैं, जब आप जाती थी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके उस जमाने में, तब ज्यादा लोग जो फंडामेंटलिस्ट थे ज्यादा हलाली में नहीं बोला ना, बेचारा सानिया मिर्जा बेचारी उसके पीछे पड़ गए। तो आपको लगता है देश तुम्हारा पीछे जा रहा है? बुरखा दिल में है। गलत, आप क्यों गलत तरीका से किसी लड़की के बारे में बोले? तो आपको लगता है हिंदुस्तान जो है, जब आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी या मिस इंडिया बनी, वहां भी पहननी पड़ती है, तो आपको लगता नहीं कि उस वक्त का हिंदुस्तान ज्यादा मॉडर्न था और आज का हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है? मैं आई थिंक मीडिया का हाथ है इसमें, मीडिया का, टीवी नहीं है ना, उसमें टीवी नहीं था, टीवी है, दैट वाज हेल्पफुल। और जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन को देखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उनके माँ बाप है, उनके माँ बाप उनके बच्चे के लिए जो करना है सही है। तो आपको क्या लगता है कि किसके लिए जिम्मेवार कौन है? कम्युनल फोर्सेस आप जिसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? अभी मैं कश्मीर से आई हूँ, 9 दिन आई वाज देयर एंड आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि जो कश्मीरी लोग हैं 5% से अंडर बुरखे पहनते हैं लड़की, आई थिंक दैट वाज वंडरफुल। मैं पहली बार गई, मैंने सोचा ही नहीं कि कश्मीर में मुसलमान जो है बिना बुरखा के घूमेंगे, मगर सब घूमते हैं। तो आप सबको बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत एजुकेटेड है, सब स्कूल जाते हैं, लड़की हो या लड़का, अपने गर्ल चाइल्ड को नहीं मारते, फीटोसाइड जो कहता है नहीं होते हैं कश्मीर में। तो ये जो फतवा इशू हो रहा है सानिया को, ये बंद करिए वो बंद करिए, बहुत अफसोस की बात। तो आप इसका प्रचार के खिलाफ है ना? ऑफ कोर्स 100%। जब मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी तब बेचारा व्हाट इज अ स्कर्ट एंड ब्लाउज, वही कह रहा हूं ना, नेशनल चैंपियन बनी, मैंने सोचा ही नहीं कि कोई भी हमको गलत तरीका से देखे, क्योंकि मेरे पूरी जो सोच ख्याल है वाज इन स्पॉट। पर आपकी पार्टी कोई इस बातों पर ऑब्जेक्शन नहीं करती? किसी ने स्टेटमेंट दिया नहीं सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा इशू कर दे किसी उलेमा ने? क्योंकि मेरे और मीडिया इनको उनके ऊपर इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? लिखना ही नहीं चाहिए, लिखना चाहिए खबर हर चीज नेगेटिव मीडिया ज्यादा बोलेंगे।
नेगेटिव ये बात जो है कि एक अच्छी लड़की इतना इंटरनेशनल नाम कमा रही है, वर्ल्ड के अंदर 34 सो भी है, उसकी पोशाक के ऊपर कमेंट करना, आप तो उसका साथ दीजिए ना। मैं दे रही हूँ, आई एम सो हैप्पी आपने ये इसको रेज किया, ये गलत है। मौलाना को अपने 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 आंख को पढ़ना डाल, उसको देखे नहीं, वो बस गलत नजर से क्यों देखे, नहीं सानिया को देखे ही नहीं, दिखाई नहीं देगा क्या? आप ये कहना चाहते हैं गलत नजर से नहीं देखना, शी इज अ स्पोर्ट्समैन एंड इंटरनेशनल चैंपियन, भारत के एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेंट है, और इज्जत से उसको आप देखिए, बहुत जरूरी है। जो इमराना के साथ भी जो यूपी में हुआ उसके ऊपर क्या कहना है आपका? जो गलत है प्रभु इज गलत। क्या गलत है, वो गलत है कि नहीं है? लॉ तो कॉमन होना चाहिए ना, जैसे मेरे को आप पूछोगे, आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी तो नाराज हो जाएंगे, बट आई थिंक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल कोड, सिविल कोड बहुत जरूरी है। कॉमन सिविल कोड एक ऐसी चीज है कि हर भारत नागरिक को साथ देंगे, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे, हमारे लॉ सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, तो हर आदमी को, और आप जैसे आपको याद है, हर आदमी भारतीय होना चाहिए, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, क्रिश्चियन कोई नहीं है, सब भारतीय है, नहीं तो खेल होते हैं, राजनीति वाले डिवाइड करते रहते हैं, राजनीति और राजनीति के फायदा के लिए भी बहुत होते हैं, जो आपने देखा जो बीजेपी ने किया। तो मैं ये मान के चलूं नफीसा अली यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं, अपनी पार्टी में एक ओपिनियन बनाएंगे, नहीं अब आई थिंक जो एजुकेटेड, नहीं जो एजुकेटेड मॉडर्न थिंकिंग मुसलमान है वो इसको मानने को तैयार है, क्योंकि इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप लड़ाई कर पाएंगे कि नहीं? ये तो आई थिंक जो मुस्लिम सीनियर लीडर्स है उनके काम, मुस्लिम लीडर तो है नहीं हिंदुस्तान में, किसको लीडर है? आप जैसे जैसे अभी इलेक्शन हो रहा था, कोई कह दिया कि औरत पंचायत इलेक्शन में नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है तो बुरखा पहनना, कौन होता है ये लोग ऐसे बोलने, नहीं बोलना चाहिए। हम लोग औरत का हक के लिए लड़ रहा है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। Don't you think there is no Muslim leader in the country at the moment who is acceptable to all the Muslims? I think all जो भी leaders है वो secular है, modern thinking है, शायद इसी वजह से problems होते हैं। I'm talking about Muslim leaders. Muslim leaders? इसलिए leader हैं, कौन है, नाम बताइए ना। वो आपको बताना चाहिए। मतलब आपके पास नाम की कमी है। क्योंकि I have no problem. मैं आपको फिर एक बार मिलूंगा, पूछूंगा कि आप leader Muslim leader वो बनेंगी कि नहीं बनेंगी, जिसको लोग अपना Muslim leader मान के चलेंगे। I hope, क्योंकि I don't want to be a Muslim leader. मुस्लिम नेम तो है ना, भगवान ने, मेरा डैडी ने, भगवान ने, मेरे डैडी ने मुझे मौका दिया इस जन्म में मुसलमान बनने, नेक्स्ट जन्म में शायद मैं हिंदू बनूं। हाँ, पर आप जो भी हैं उसके लिए आप करेंगी अपना, जो आपका फंडामेंटल्स आपकी हैं, फंडामेंटल नहीं, जो हमारे जो मेरे प्रिंसिपल्स है उसके साथ मैं जीऊंगी, क्या करेंगी, हम आपके ऊपर जरूर नजर रखेंगे। आप वीडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।